दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग न्यूज़ और मैं हूं अंकुर तिवारी। दोस्तों आइए बात करते हैं राष्ट्रीय पशु रोग उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो खामियां थी और जिसके कारण जो है अभी तक आप लोगों की सैलरी नहीं मिली। जिन लोगों को नहीं मिली वही इस वीडियो को देखेंगे, जिनका मिल गया है उनके लिए भी जानकारी हो सकती है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि लेटेस्ट क्या खबर आ रही है और अब इस बार FMD में वैक्सीनेटर सहायकों को कितने रुपये मिलेंगे, इस मैटर पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग न्यूज। दोस्तों आइए बात करते हैं और बताते हैं आपको पूरी जानकारी। दोस्तों राष्ट्रीय पशु रोग उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि क्या कमियां रह गई हैं जिसके वजह से जो है पैसा फंस रहा है आप लोगों का, और ये जो पैसा है पेमेंट है आप लोगों का वो कहां तक आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगर जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम लास्ट तक आपको सारी बातें बताएँगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको पूरी बातें। दोस्तों टैगिंग टीकाकरण फीडिंग के लिए समर्पित तकनीक कर्मियों की नियुक्ति न होना, राष्ट्रीय पशु रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित वैक्सीनेटर एवं सहायकों का मानदेय कम होना, प्रायोगिक प्रशिक्षण का समुचित न होने से टैगिंग एवं वैक्सीनेशन में समस्या, एवं पशुपालकों को टैगिंग से संबंधित बहुत सारी जो है समस्याएँ इस बात की थी कि उनके पशुओं को काफ़ी जो है क्षति पहुंच जाती थी। तो ये सब कई जो है कारण बन गए कि ये वैक्सीनेशन जो है पूर्णतया सक्सेस नहीं हो पाया। दोस्तों पूरी बातें हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वैक्सीनेटर का मानदेय 2021 में क्यों नहीं आया। कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो तक अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि जो भी जानकारी हो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।